लड़कियां हैं, औरतें हैं ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, वहां पर उनको अलाउड नहीं करते हैं मंदिरों में, घर में भी पूजा करने को अलाउड नहीं करते, तो क्या लॉजिक है, क्या रीजन है इसके? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, विच इज हाइजीन। देखिए मंदिर में दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक तो है जो कि डीटी से कनेक्टेड, यानी कि भगवान के विग्रह से कनेक्टेड है, उसमें हाई प्योरिटी इज एक्सपेक्टेड। तो उसमें जैसे हमारे अभी पुजारी हैं सेवा करें, उसमें नहा धो करके तिलक लगा करके बिना कुछ खाए पिए सुच्चे मुंह होकर के सुच्चे बॉडी के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो शरीर की शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पुजारी व्हेन ही गेट्स अ ब्लड, और उसका कोई कट अगर कट लग गया और यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, सो बॉडी वॉज नॉट कंसिडर्ड प्योर टू बी ऑफर्ड टू द गॉड। तो इस तरह से पीरियड के समय में जो लेडीज हैं वो डीटी से कनेक्टेड जो सर्विसेज हैं वो नहीं कर सकती। लेकिन मंदिर में एक और चीज चाहिए जो कि अक्सर मंदिरों में नहीं होती लेकिन इस्कॉन टेम्पल्स में होती है, विच इज हरि कथा एंड हरिनाम संकीर्तन। ये करने के लिए आपको शरीर की शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बंदे बंदे भी हैं, यू कैन स्टिल अटेंड हरि कथा, आप सुनिए भगवान के बारे में और साथ ही भगवान का नाम लीजिए, इसके लिए शरीर की शुद्धता आवश्यक नहीं है।